1% बच्चों का सिलेक्शन होता है। अगर तू रेशियो देखेगा 10 लाख में 10,000 सीटें आईटी में ऑन एवरेज, तो इसका मतलब 1% सिलेक्शन रेशियो है जो आईटी चाहती है, 100 में से एक बच्चा। सच्चाई है, सच्चाई है, समझ में आ रही बात? ये अच्छी बात है। पीडब्ल्यू की सोच भी यहाँ पे, सिस्टम की सोच पहले से ही यही है कि पढ़ने वाला बच्चा सिलेक्ट होना चाहिए, ठीक है, पढ़ने वाला बच्चा सिलेक्ट होना चाहिए चाहे कैसे भी हो, इसके लिए अपन को कुछ भी करना पड़े, ठीक, जो कि एक अच्छी बात है। तो मैं यही बात बोलूंगा, जो पढ़ने वाले बच्चे मस्त होकर बिंदास पढ़ते रहे, जो पढ़ने में थोड़ा सा भी लूज एंड दे रहा है ना, थोड़ा सा भी लूज एंड दे रहा है, थोड़ा सा भी लूज, वो पढ़ना तो चाहता है लेकिन लूज एंड दे रहा है। लूज एंड का मतलब रिलैक्स होकर क्लास अटेंड कर रहा है, टेबल चेयर में बैठ के नहीं कर रहा है, लेट के पढ़ रहा है, ऐसे पढ़ रहा है, बैठ के पढ़ रहा है, टेबल चेयर की बजाय वो नोट्स भी ठीक से नहीं बना रहा है, बस ऐसे बैठ के देख रहा है, ठीक है, उसके बैकलॉग्स बढ़ते जा रहे हैं, उसके सेलेक्ट ना होने के चांसेस 1000% है, 1000% गारंटी है कि वो आईआईटी में सेलेक्ट नहीं होगा, ऐसा बच्चा जो रिपीटेडली लूज एंड देगा। तो समझ जाओ, तेरा 10th का बोर्ड का रिजल्ट आया, मैं अननेसेसरी इस प्रेशर में नहीं डालना चाहता, लेकिन ये सच्चाई है, सच्चाई है, समझ में आ रही बात? ये मत समझना कि आजकल एक ट्रेंड और चल रहा है, सब बच्चे क्या सोचते हैं, उनका जेई मेंस एडवांस के लिए क्लियर हो गया तो उनका सिलेक्शन हो गया। भाई सिलेक्शन तो 10,000 लोगों का होता है, जेई एडवांस 1,00,000 लोगों को तो एग्जामिनेशन में बैठने का मौका देती है, समझ मारी बात? 1,00,000 लोगों को एग्जामिनेशन में बैठने का मौका देती है जेई एडवांस। अब जब जेई एडवांस का रिजल्ट आएगा तब तू देखना भैया कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट से कितने रिजल्ट आए, तब पता चलता है रियलिटी ये है। रही बात एनआईटीज की, तो एनआईटी अब तो समझना 20,000 के अंदर तो एनआईटी मिलता है, 20,000 के बाद एनआईटी मिलता ही नहीं है, ठीक है, ये कहानी है। तो 1% बच्चों का सिलेक्शन होता है। अगर तू रेशियो देखेगा 10,00,000 में 10,000 सीटें आईआईटी में ऑन एवरेज, तो इसका मतलब 1% सिलेक्शन रेशियो है जो आईआईटी चाहती है, 100 में से एक बच्चा।